तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज्वाइनिंग के बाद आपके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर होगी? अगर आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन होता है तो आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन सा होगा? बीएसएफ में होगा तो आपका ट्रेनिंग सेंटर कौन से है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है? तो एक भाई का कमेंट्स आया था, उसी कमेंट्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है जिसका आपको कमेंट्स दिख रहा है डिस्प्ले पर। ओके, इन्होंने पूछा था, तो मैं आपको सारे फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ के जा सकते हो अगर अपना कुछ काम वगैरह है तो। अगर अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो मैं आपको एकदम कंप्लीट जानकारी दे दूँगा कि आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ वगैरह की जो कि ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो किस शहर में है, किस राज्य में है वगैरह वगैरह, सब जानकारी आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को सिर्फ कंटिन्यूसली देखते रहो। ओके, तो ज़्यादा बोर ना करते हुए अपन अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो बस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कि बनता है असम राइफल का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है दिमापुर, नागालैंड में। अगर आपका रिक्रूट करके अगर इसी जीडी के थ्रू असम राइफल में सिलेक्शन पाते हो तो आपका ट्रेनिंग सेंटर दिमापुर, नागालैंड में है असम राइफल का। ठीक, तो बीएसएफ के कहाँ कहाँ बनते हैं? देखो, जम्मू कश्मीर में बनता है उधमपुर में। बीएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में। ओके, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और तो और तीसरा बनता है बेंगलोर, कर्नाटक में। ग्वालियर, ग्वालियर एमपी, तक्कनपुर में। हजारीबाग, झारखंड में। महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में। जोधपुर, राजस्थान में। होशियारपुर, पंजाब। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। चूरा चंदपुर, मणिपुर में आपका एक सेंटर बनता है। एक है एमबी रोड, न्यू दिल्ली में भी आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है। और एक है फरीदकोट, पंजाब में। ठीक, ये सारे बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ का है सिरोही, राजस्थान में। गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। नीमच, एमपी में। कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नांदेड़, महाराष्ट्र। ग्वालियर, एमपी। सिलचर, असम। शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नीमच, एमपी। अवादी, चेन्नई, तमिलनाडु। एक एक कन्नूर, केरला में। एक पटना, बिहार में। बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक, रांची, झारखंड में भी है। सच्चर, आसाम में भी एक है। अब बात करते हैं सीआईएसएफ की। हमारा असम राइफल, बीएसएफ और सीआरपीएफ का हो गया। अब है सीआईएसएफ की बारी। अगर आपका सीआईएसएफ में सिलेक्शन होता है तो सीआईएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते हैं? ठीक, तो पहला है हकीमपेट, हैदराबाद में। हकीमपेट, हैदराबाद। खरगोन, एमपी। ओके, खरगोन एमपी। दुर्ग, एमपी। राजस्थान में एक टोन का एक है। भेरोर में है एक। अलवर, राजस्थान में है। कटक, उड़ीसा में है। हैदराबाद में है हकीमपेट कहीं के। ओके, अब बात करते हैं आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं? सीआईएसएफ का भी हमने देख लिया। तो आईटीबीपी के जो ट्रेनिंग सेंटर है वह देहरादून, उत्तराखंड में है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है जोशीमांत, उत्तरकाशी, पंचकुला। ये जो कि ट्रेनिंग सेंटर है आईटीबीपी। एक है अमृतसर, पंजाब में। एक है अल्मोरा, उत्तराखंड में। ठीक, लोहितपुर, अरुणाचल प्रदेश। शिवपुरी, मध्य प्रदेश। मदंगीर, न्यू दिल्ली में भी है। अरुणाचल प्रदेश में भी है। किमेन कई के, शिवपुरी का मैंने बता दिया। इलायत पट्टी है, उदयाल पट्टी, ऐसा कुछ है। इनके तमिलनाडु के नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं यार। अब मैं आपको जो बाकी बचे हैं उनके भी बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है इसलिए मुझे वीडियो स्किप करके एसएसबी का भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपका एसएसबी में अगर सिलेक्शन होता है तो आपके ट्रेनिंग सेंटर कौन से बन सकते हैं? एक है गढ़वाली, पावरी, उत्तराखंड में है। कमावली, उत्तराखंड। कंगरा, कुछ मुख्य डिस्ट्रिक्ट कांगली कुछ कई के है। एक सोनीपत है, आसाम। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गांधीनगर, भोपाल। एक है अलवर, राजस्थान। एक है शिमला, हिमाचल प्रदेश।
तो एक है अलवर राजस्थान में भी है इनका, ठीक, शिमला हिमाचल प्रदेश में भी है, और तो और एनआईए का भी एक है जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, कुछ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ब्यूरो कह के आसाम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चार फ्लोर सप्लोडोर फ्रॉम जोसला डिस्ट्रिक्ट सेंटर न्यू दिल्ली कोई के है एनआईए का, ठीक। नीचे कुछ मतलब दिखाने लायक नहीं है, और हमारे सारी फोर्सेस भी हो गई, सिर्फ एसएसएफ का नहीं मिला। तो दोस्तों ये रहे सारे ट्रेनिंग सेंटर जिनके मैंने आपको वीडियो स्किप करके करके सबके मतलब डबल नाम, सब डबल डबल याद पे था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो स्किप करनी पड़ी, और एक एक नाम मतलब नाम भी पढ़ने में यार प्रॉब्लम हो रही थी, वो कर्नाटक तमिलनाडु साइड के नाम थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने में, शायद मतलब पूरा लड़खड़ा जाता है आदमी। तो ये कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे आपके, जो कि आप अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड और थर्ड वाले जो पोस्ट प्रेफरेंस दिए ना उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी, आपके नंबर के अकॉर्डिंग और पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड वालों की जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो कहीं नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर इन तीनों फोर्स में से किसी में सिलेक्शन होता है तो वो तीनों फोर्स में से ही आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, ठीक। तो ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, सिर्फ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है टेलीग्राम, उसमें सर्च करना है, डाउनलोड करने के बाद सरकारी ड्रीम मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप सीधा सिंपली डाउनलोड कर लेना और आप खुद भी ये पूरा पीडीएफ देख सकते हो। ओके, यहाँ पे सारे फोर्सेस के मैंने बीएसएफ का दिखाया, सीआरपीएफ दिखाया, सीएसएफ दिखाया, एसएसबी दिखाया, आईटीबीपी दिखाया, एनआईए दिखाया, असम राइफल भी दिखाया, सिर्फ मुझे एसएसएफ का नहीं मिला। एसएसएफ का इस पीडीएफ में मुझे मेंशन किया नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, और मैं नेट पे भी सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला, ठीक। अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बोलना। ओके, हाइट चेस्ट वगैरह की ऑलरेडी मैंने वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको मेडिकल वगैरह की जो वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएगी, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।